हेलो बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैश टू ट्रेजर में। और आज हम जो एक जो टॉय बनाने जा रहे हैं, ये बहुत मजेदार है और आशा है आप लोग को खूब आनंद आएगा इस टॉय को बनाने में। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग हर बार एक नए वीडियो के साथ आते हैं और उस वीडियो के अंदर आप लोग बहुत सारे ऐसे टॉयज जो कि वेस्ट मटेरियल से बनते हैं और ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट आप बनाते हैं, साइंस की बहुत सारी ऐसी बातें आप जानते हैं, विज्ञान से संबंधित ऐसे टॉयज आप बनाते हैं जो कि हमारे मोस्टली वेस्ट मटेरियल से बनते हैं। तो आज फिर से हमारा एक और वीडियो आपके सामने है जिसमें हम बनाएंगे एक बहुत अच्छा टॉय और यूज करेंगे कुछ वेस्ट मटेरियल को, जैसे एक पेन की जो रिफिल होती है वो है हमारे पास, एक ऑल पिन है, ये आप देख पा रहे हैं ऑल पिन, ये ऑल पिन है, एक रबर बैंड है और एक स्ट्रॉ है, सिपर जिससे आप कोल्ड ड्रिंक या कुछ पीते हैं, और एक हमारे पास गुब्बारा है। तो हमें करना क्या है कि हम एक ये स्ट्रॉ लेंगे और इसके सेंटर में स्ट्रॉ को जब आप लेंगे तो ये स्ट्रॉ, ये देख लीजिए इसका ये इस तरीके का मुड़े वाला स्ट्रॉ होना चाहिए। हाँ, और इसको हमने इसका ये पोजीशनिंग ऐसे रखनी है, यानी कि एक साइड में इसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए और सेंटर में हम इसमें ये जो कॉल पिन है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ये इस तरीके से देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ऐसे इंसर्ट करना है कि जब ये ऐसे खड़ा हो तो ये जो स्ट्रॉ का एक सिरा है वो इस तरीके से यहाँ रहे। ऐसा क्यों है ये अभी जब हम इसको आगे बनाएंगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये। और एक साइड में इसका जो एक साइड है जो कि मुड़ा हुआ है और एक साइड है जो कि सीधा है, जो सीधा वाला हिस्सा है इस पे हम गुब्बारे को चढ़ा देंगे इस तरीके से, और एक रबड़ बैंड की सहायता से इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा रबड़ को हमने टाइट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा टाइट करने से ये जो स्ट्रॉ है ये भी पिचक जाएगा, और अगर ये पिचक गया तो आपकी हवा जो है वो नहीं जाएगी पार। तो बस ये ध्यान रखना है कि बस उतना ही हम इसको दबाएं जितने में कि गुब्बारा तो फिट हो जाए लेकिन हवा भी जाती रहे और जो हमारा स्ट्रॉ है वो दबे नहीं और हवा का फ्लो अच्छा बना रहे, ताकि तो इतना ही हमने इसको टाइट करना है। बस हल्के से इसको टाइट कर लें हम, सॉरी हमारा रबर बैंड ही टूट गया है, तो कोई बात नहीं, हम इस रबर बैंड को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अगर टूट जाए तो आप इसको करके और यहाँ पे एक नॉट बांध दीजिए, दैट्स इट, ये वैसे ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ हमें वेस्ट मटेरियल को यूज करना है तो जितना भी हो सके हम जो टूटा हुआ रबर बैंड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा बन गया, और इसकी जो रिफिल है रिफिल के अंदर हमें इसको ऑल पिन को डाल देना। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या ये मूव हो रहा है आसानी से, यस इट्स मूविंग। तो हमें क्या करना है अब कि हम इसको यहां से गुब्बारे में हवा भरेंगे, जब हवा भर जाएगी गुब्बारे में और हम इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप, लाइक दिस। अभी मैं इसको आपको फिर से अभी खुली जगह पे इसको करके आपको दिखा दूंगा तो आप समझ पाएंगे। अब इसके अंदर क्या विज्ञान है, विज्ञान ये है कि जब गुब्बारे की हवा यहां से होकर इधर जाती है तो क्या हो रहा है, न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जो कहता है कि हर क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही ये हवा इधर जाती है तो तभी ये इसको धक्का लगता है और ये अपना इस साइड में घूमना शुरू हो जाता है। यानी हवा के थ्रू हम किस तरीके से किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं रिक्वायर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये इस क्राफ्ट के अंदर या इस टॉय के द्वारा आप सीखते हैं। तो इसी तरीके से नए नए क्राफ्ट बनाते रहिए और सीखते रहिए
वेस्ट मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करें। बाय बाय।